मित्रों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का जो एडमिट कार्ड आना था वो 16/7 को आना था, जैसा कि आप लोग को पता है, और ये कल नहीं आया है ना, 16/7 को आना था, ये क्या है नहीं आया, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा? क्योंकि आप लोग कहोगे कि कोई कह रहा था कि भैया 17 को आएगा, कोई कह रहा था 19 को आएगा, कोई कह रहा था कि अभी नहीं आएगा, क्योंकि ट्विटर पर क्या है इससे संबंधित ट्वीट आया हुआ है ना, तो हर चीज बताने वाले हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं, जेई के ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का कोई अपडेट नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया था कि 16/7/2023 को आना है, उसके बाद में उन्होंने एडमिट कार्ड संबंधित चाहे आपका एग्जाम संबंधित कोई अपडेट नहीं दिया हुआ है ना, तो जो दो तीन चीज समझेंगे कि क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, या जो आपका एग्जाम डेट है वो बढ़ेगा या वही रहेगा, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि आप क्या जो एडमिट कार्ड अगर लेट में आएगा तो जो आपका एग्जाम होगा वो भी क्या है लेट में ही होगा, है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर रखना होगा। देखिए, क्यों नहीं आया, इसका साफ साफ रीजन ये हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, जो जेईई वाले हैं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना हमें टेंशन होता है उससे कई गुना उनको इस चीज को लेकर होता है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, मतलब कब तक हमें रिलीज करना है। तो एक ही रीजन हो सकता है कि जो उनका सेंटर डिसाइड करना होता है, टाइमिंग डिसाइड करना होता है, हो सकता है ना हो पाया हो, जैसे कि आप मान लीजिए 3 लाख बच्चे हैं, तो उनमें से क्या 2.5 लाख का डिसाइड हो गया हो, ढाई लाख का प्रिपेयर हो गया हो, और अब कुछ बच्चों का ना हो पाया हो, इसके कारण हो सकता है। सेकंड जो कमी आ सकती है वो हो सकता है क्योंकि वेबसाइट में भी कोई इशू आ गया हो, इसके कारण क्या है वो लोग, क्योंकि अब चीजें क्या है ऑनलाइन है ना, तो अब हो सकता है कि वेबसाइट में कुछ इशू आ गया हो, यही रीजन हो सकता है कि किसी कारण या वेबसाइट के कारण क्या है आपका जो एडमिट कार्ड है वो हो सकता है कि अभी अपलोड नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड हो सकता है तैयार हो, जैसे आपको वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा तो आपको क्या है मिल जाएगा। तो बात करें जब अभी तक नहीं आया तो आगे अब कब तक आएगा, है ना, आगे अब कब तक आएगा, क्या नहीं आएगा? देखिए, मैं बता दूं, ये पहली बार नहीं कि एडमिट कार्ड अब लेट हो रहा है, और ये पहला एग्जाम नहीं जिसमें एडमिट कार्ड लेट हो रहा है। हर एग्जाम में SSC हो, रेलवे हो, नोटिस निकालते हैं कि इस दिन आएगा, उसके 2-3 दिन 4 दिन बाद आता है, 5 दिन बाद आता है, 6 दिन बाद आता है ना, और उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं। अगर मान लीजिए एक बच्चे का एडमिट कार्ड या टाइमिंग गड़बड़ हो गया तो क्या बहुत समस्या हो जाएगी मेरे भाई, है ना, तो वही चीज़ है, उनको बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ निकालना होता है। मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, उनके आपके पक्ष में हूँ, लेकिन चीज़ें क्या है जो मुझे पता है वो आपके साथ में शेयर करना उचित समझता हूँ। तो एडमिट कार्ड अब तक नहीं आया है, तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है अभी नहीं आया तो बस कभी भी आ सकता है, जी हाँ मेरे दोस्त, कभी भी आ सकता है। और मैं बता दूं, जो आपका एडमिट कार्ड है वो उसके लिए आपको बेचैन नहीं होना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए कि हमारा क्या टॉपिक पढ़ा है, हमने क्या टॉपिक छूटा हुआ है, और हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब आपको क्या है एग्जाम संबंधित प्रिपेयर करना चाहिए, यानी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, ना कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो जेईई वालों की है ना। तो आप हमेशा याद रखिए, जो एग्जाम संबंधित आपकी तैयारी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड है वो आपका कभी भी आ सकता है, 17, 18, 19 तक आ सकता है, कभी भी आ सकता है ना। जैसे आ जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है, आप जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग कह रहे थे कि भैया जो एग्जाम होगा या एग्जाम डेट संबंधित क्या चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, है ना, तो जो आपका एग्जाम डेट होगा मित्रों वो भी अब चेंज नहीं होने वाला है, जुलाई चल रहा है। जब मैंने 2018 में एग्जाम दिया हुआ था तो मैंने अप्रैल में एग्जाम दिया हुआ था, आप कहाँ बैठे हो, अप्रैल में 22 अप्रैल को दिया हुआ था, अप्रैल में एग्जाम दिया था, मई तक रिजल्ट आ गया था, और उस समय ऑफलाइन होता था, उसके बाद में क्या हुआ चीजें, फिर क्या है आपका उसके बाद में जून तक, जुलाई मतलब लास्ट 20 से 25 जून तक हमारा एडमिशन हो गया था, लेकिन इस समय क्या है बहुत लेट हो गया है, तो अब लेट नहीं होगा, एडमिट कार्ड एक आध दिन में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के 5वें 7वें दिन या 3रे दिन ही आंसर किया जाएगी, उसके 1 हफ्ता बाद आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, और चीज़ें बहुत जल्दी प्रोसेस में चली जाएंगी। तो अगर आपके पास एडमिशन संबंधित डॉक्यूमेंट, यानी एग्जाम होने के 15 दिन बाद आपका एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए क्या है आप पेशेंस के साथ में क्या तैयारी करते रहिए, और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास जो जो नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करिए पॉलिटेक्निक एडमिशन डॉक्यूमेंट्स बाय सिलेक्शन विथ राजेश, पॉलिटेक्निक में रैंक क्या होता है बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको एग्जाम और जो आपको एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इससे संबंधित आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
और चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।